Very good morning to all of y'all, my dears. And yes, again, we are going to start with a very important topic called as plant growth and development. बहुत important chapter है. हमने ऑक्सिन का बात कर लिया, हमने वहां पर ये देख लिया कि what do you mean by art of pruning, right? वहां पे हमने ये points देख लिए. फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक very important चीज के पीछे जिसका नाम है gibberellin. Now gibberellin was basically discovered in Japan. Gibberellin was very first time seen by a farmer named as Konishi, जिसका नाम बुक में नहीं है. तो Konishi ने जो है वो वहां के गवर्नमेंट को बताया, तो वहां पे गवर्नमेंट ने जो है वो कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट को भेज दिया ये देखने के लिए कि एक्चुअली Konishi नाम के फार्मर के घर में या फार्मर के फील्ड में बेसिकली हुआ क्या था. नाउ Konishi वॉज अ फार्मर एंड ही वॉज हैविंग अ फील्ड, और उस फील्ड में राइस के जो प्लांट्स थे, द लेंथ ऑफ दैट राइस प्लांट वॉज अबाउट 6 to 7 feet टॉल. बेसिकली राइस के प्लांट्स आर अबाउट 3 to 4 feet टॉल, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 6 to 7 feet टॉल हो गया वहां पे वो कौन द राइस. सो जब वहां पर ये डिस्कवरी हुई, आई मीन कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट जब वहां पहुंचे Konishi नाम के फार्मर के बोलने के बाद, जब कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट वहां पर पहुंचे, सो ही डिस्कवर्ड एंड ही टोल्ड दैट यहां पर इस प्लांट को बेसिकली एक डिजीज हो गया है. एंड द नेम ऑफ द डिजीज वॉज बकाने डिजीज. Bakane disease is also termed as a foolish seedling and it was caused because of a fungus called as see dekhi kitne pyar se wo baat bata rahe hain ki it is being caused because of an infection done by fungus and the name of the fungus was Gibberella fujikuroi. Gibberella fujikuroi is also termed as Fusarium moniliformis. Please is baat ko yaad rakhiyega. To jab Gibberella fujikuroi उनको उस फंगस का इंफेक्शन दिखा तो उन्होंने यहां तक डिस्कवरी करके छोड़ दिया. एंड देन हु केम वाज समथिंग कॉल्ड याबुता एंड सुमिकी. एंड नाउ दीज टू साइंटिस्ट व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड आइसोलेटिंग सम केमिकल्स फ्रॉम दैट Gibberella fujikuroi एंड दैट केमिकल वॉज नेम्ड एज जिबरलिक एसिड. नो डाउट इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन यहां पर यह पता चला कि जिबरलिक एसिड एक तो पहले से ही राइस के प्लांट में था एंड Gibberella fujikuroi आने की वजह से और ज्यादा उस केमिकल का बढ़ोतरी हो गया उस प्लांट के अंदर बिकॉज ऑफ दैट फंगल इंफेक्शन. सो एक तो पहले से ही Gibberellic एसिड है मेरे पास मतलब मैं हूं प्लांट और मुझे इंफेक्शन हुआ है उस फंगस से जो बहुत ज्यादा Gibberellic एसिड प्रोड्यूस करता है. सो द अमाउंट ऑफ Gibberellic एसिड इंक्रीज एंड दैट वॉज द एंड बिकॉज ऑफ दैट द रिजल्ट विच वॉज सीन वॉज समथिंग कॉल्ड एज इंक्रीज इन अ साइज और अ हाइट ऑफ अ प्लांट. Basically, this increase was seen in the internodes. So, basically, it is termed as internodal elongation. यहाँ पे scientists लोग का दिमाग का बत्ती जलता है and they started using it in something called as sugar cane. कैसे use किया, क्या use किया, किस pattern में use किया और use करने से क्या फायदा हुआ, आइए देखते हैं इस पूरे topic में. The very first point is Gibberellin is a promotory PGR. प्रोमोटरी पीजीआर मतलब इट विल बी द प्रोमोटिंग वन, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर विच विल बी प्रोमोटिंग समथिंग. नेक्स्ट इट इज बेसिकली एसिड इन नेचर. ऑल Gibberellic एसिड आर एसिडिक इन नेचर. अभी आपके बुक में लिखा है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है. सेकेंड यहां पे पॉइंट यहां पर है कि देर आर अबाउट 100 Gibberellins विच इज बीन डिस्कवर्ड. आउट ऑफ दैट Gibberellic एसिड 3 GA3 इज वन ऑफ द फर्स्ट Gibberellin टू बी डिस्कवर्ड. नॉट ओनली दैट नाम रखा गया इनका GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन टिल GA100. अब यहां पर जब ये डिस्कवरी हुई तो सबसे ज्यादा जो हमने पढ़ाई की, वी स्टडीड इंटेंसिवली मोस्ट इंटेंसिवली ऑन समथिंग कॉल्ड एज Gibberellic एसिड 3. नाउ Gibberellic एसिड प्रोड्यूसेस वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन द प्लांट. माने प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को चेंज करने में बहुत बड़ा अगर किसी का हाथ है तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज Gibberellic एसिड और Gibberellin. पहला पॉइंट, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ एक्सिस. एक्सिस मतलब प्लांट का लेंथ बढ़ा देंगे. बेसिकली ये बढ़ा देते हैं क्या, बेसिकली बढ़ा देते हैं इंटरनोड. माने अगर कोई गन्ने का प्लांट है, माने इधर अपना मराठी मध्ये उसपण म्हणतो, हिंदी में हम उसको गन्ना कहते हैं, इंग्लिश में भी टर्म इट एज शुगर केन. तो शुगर केन का अगर इंटरनोड छोटा है तो दैट इंटरनोड कैन बी इलांगेटेड. प्लीज याद रखना द इंटरनोड कैन बी इलांगेटेड बाय द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज Gibberellic एसिड. नाउ व्हाट वी डिड हियर, सबसे पहले हमने ये काम जो है, क्योंकि हमको ये पता चल गया था कि यहां से इलांगेशन होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टॉक्स ऑफ ग्रेप्स. माने ग्रेप्स जिसके ऊपर लटकते ना ऐसे,
ये ऐसा ग्रेप जो लटकते हैं ना, तो इसके स्टॉक को लंबा कर देंगे। तो जितना स्टॉक को लंबा करोगे उतना ज्यादा फ्लावर, जितना ज्यादा फ्लावर उतना ज्यादा फ्रूट्स। सो दैट इज वॉट दैट वॉज अ प्लान। और यहां पर मैं आपको बताऊं, यहां पे ग्रेप्स का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है मेरे बच्चों, लिटरली दे स्प्रे जिब्रिलिक एसिड इन द फील्ड माय डियर, ऑन द प्लांट दे लिटरली स्प्रे जिब्रिलिक एसिड। सो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। कभी आप हिमाचल प्रदेश जाना मेरा बच्चा, वहां पे यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल का वराइटीज, उस एप्पल के वैरायटी में भी जिब्रिलिक एसिड यूज करते हैं। सो व्हेनेवर यू विल ऐड और अ स्प्रे ऑफ जिब्रिलिक एसिड इज डन इन दैट एरिया, व्हाट हैपेंस इज द साइज ऑफ द एप्पल यू नो इट गेट्स इंप्रूव्ड, द शेप इज इंप्रूव्ड एंड दे यू नो द एंटायर एप्पल फ्रूट गेट्स इलोंगेटेड, थोड़ा लंबा हो जाता है और उसका साइज भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एक और खास बात, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय सेनेसेंस, इट इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट विल बी डीरेल्ड, मतलब वो धीरे धीरे कम होता जाएगा एंड दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ अ प्लांट बेसिकली। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज सेनेसेंस। बेसिकली इसको हम एजिंग से भी जोड़ के देखते हैं, जब आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स काम करना बंद करने चालू कर देते हैं या फिर उनका एक्टिविटी लोअर होने लग जाता है, दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज सेनेसेंस अकर। सो GA जिब्रिलिक एसिड हैज एन एबिलिटी टू डिले द सेनेसेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिलेज द सेनेसेंस। तो आपको मैं बता दूं, मतलब ये जल्दी से फ्रूट को पकने नहीं देगा, मैं आपको ये भी बोल सकता हूं। Thus the fruit can be left on the tree for longer period, ताकि हम उसका market period या market value बढ़ा दें। Imagine कीजिए ना, आपके पास एक mango का पेड़, और आप जानते हैं कि mango जो है वो basically गर्मी में आएगा and जून के पहले आते आते तक हर जगह पूरे market में फैल जाएगा। Imagine कीजिए कि आपके mango का पेड़ जो है वो मुझे September में, सोचिए जरा दिमाग लगा के कि मुझे वो सितंबर में जो है वो फ्रूटिंग करा के देगा, यू नो, तो मैं अक्टूबर में लाके उसको बहुत अच्छे से बेच पाऊंगा क्योंकि उस समय कहीं पे भी मैंगो होता नहीं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, दैट कैन हैपन विद समथिंग कॉल्ड एज जिब्रिलिक एसिड। सो आप उसका मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हैं मार्केट में लेट उतार के। अब लेट, अब ये प्लास्टिक तो है नहीं कि आप प्रोडक्शन रोक देंगे, इट इज अ फ्रूट, सो कैन यू स्टॉप दैट फ्रूट ऑन अ प्लांट इटसेल्फ, क्या आप उस फ्रूट को पकने से और गिरने से रोक पाएंगे? हां, आप रोक सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जिब्रिलिक एसिड। सो जिब्रिलिक एसिड डिलेज द सेनेसेंस एंड अलाउज द फ्रूट टू बी ऑन अ प्लांट माय डियर। हां, और मार्केट पीरियड में जब एकदम क्रंच आ जाता है उस समय पे उसको उतारा जा सकता है। नॉट ओनली दैट, मैं आपको बताऊं, शुगर केन स्टोर्स व्हाट, स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर इन अ स्टेम। बच्चे लोग, ऐसे मौके पे अगर मैंने स्प्रेइंग कर दी किसकी, जिब्रिलिन की, तो इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ स्टेम। आप इमेजिन करके देखिए मेरे बच्चों, लेंथ ऑफ द स्टेम इज गोइंग टू इंक्रीज बाय द हेल्प ऑफ जिब्रिलिन। अब यहां पे क्या इंक्रीज होगा बच्चे लोग, यहां पे इंक्रीज होगा इंटरनोड, जो मैंने आपको बताया। ध्यान रहे, ग्रेप्स का स्टॉक लंबा कर सकते हो, याद रखना है ऐसे, अगर नहीं याद रहे तो, सेनेसेंस डिले करा सकते हो, मार्केट वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हो, मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो। शुगर केन जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ शुगर, इसके इंटर नोड को बढ़ा सकते हो और 20 टन्स पर एकर यू कैन इंक्रीज द यील्ड माय डियर, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई कैन सी फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज जिब्रिलिक एसिड। There are certain plants like conifers, my dear. You know, conifer, जो juvenile conifers होते हैं ना, मतलब वो जो नए नए conifers निकले रहते हैं मेरे बच्चे, ये सारे के सारे juvenile conifers जो होते हैं ना मेरे बच्चों, ये जो juvenile conifers होते हैं, ये juvenile conifers का speciality होता है कि दे, अगर मैंने जिब्रिलिक एसिड मार दिया इन conifers पे, तो दे hastens the, hasten मतलब fast कर देंगे, hasten the maturity period and lead to early seed production. मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में सीड फॉर्म होता है क्या? हाँ सर, जिम्नोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन अकर होता है, और वो अर्ली सीड फॉर्मेशन किया जा सकता है। कैसे अर्ली सीड फॉर्मेशन किया जा सकता है? बाय पुटिंग समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, जिब्रिलिक एसिड। ओके, नॉट ओनली दैट मेरे बच्चों, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा लेकिन मेरे को मिटाना पड़ेगा यहां पे, तो मैं मिटा देता हूं यहां पे, कि जिब्रिलिन को हम लोग एक और फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करोगे मेरे बच्चे लोग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमने देखा है यहां पे कैबेज, आपने भी देखा होगा कैबेज। अब कैबेज का स्पेशलिटी देखिए,
आप इमेजिन कीजिए कि कैबेज का अगर मैं थोड़ा खाली साइज बड़ा कर दूं ना, साइज मेरे बच्चों अगर मैं कैबेज का साइज बड़ा कर दूं तो आपको देखने मिलेगा उसका मार्केट वैल्यू कैन बी डबल्ड। आपने अगर पत्ता गोभी लेके जाओगे, पत्ता गोभी मेरे बच्चों, पत्ता गोभी अगर थोड़ा बड़ा मिल जाए तो आप उसका दाम पर अगर 10 रुपए का तो आप उसको 20 रुपए दे के आओगे। क्या होता है जरा देखिए। अब मैं पत्ते गोभी की बात करूं तो अगर पत्ते गोभी को आप बीच में से काट दो, कैबेज को अगर आप बीच में से काट दो तो आपको ऐसा लाइन दिखेगा, एक स्टेम दिखेगा ऐसे, एंड आपको दिखेगा एक ग्रीन कलर का मार्कर, आपको दिखेगा ऐसा लीफ, ये लीफ होगा और यही है तुम्हारा पत्ता गोभी। ओके डन माय डियर, ये है तुम्हारा पत्ता गोभी, प्यारा प्यारा पत्ता गोभी, ठीक है। नाउ दिस इज अ पत्ता गोभी, राइट। नाउ हियर द लीव्स आर लाइक यू नो व्हाट, दे आर वन अबव द अदर, यू नो दे लिटरली दे आर इन दिस फॉर्म। अब ऐसे फॉर्म में जब रहते हैं तो हम इसको कहते हैं रोजेट फॉर्म। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि हियर द लीव्स आर इन विच फॉर्म माय डियर, द लीव्स आर इन रोजेट फॉर्म। मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं, रोजेट हैबिट की बात कर रहा हूं, जो बेसिकली कैबेज नाम के प्लांट में मिलता है। कैबेज में मिलेगा, बीट में मिलेगा, बहुत सारे प्लांट्स में मिलता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैं अगर इसको जिबरलिन दे दूं और मैं खाली क्या करूं, अगर मैंने इसका इंटरनोड इलोंगेट कर दिया ना मेरे बच्चों, इंटरनोड इलोंगेट, व्हाट विल हैपन, इमेजिन कीजिए, देखिए इंटरनोड इलोंगेट हो गया। नाउ हुआ क्या, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने खाली इंटरनोड इलोंगेट किया है और इंटरनोड इलोंगेशन के वजह से ये कैबेज का साइज देखिए, ठीक है, ये ऐसा हो गया, लीफ हैड इंक्रीज्ड, ये ऐसा हो गया, यहां पे ऐसे बड़ा सा, फिर इतना बड़ा यहां पे, सी द साइज ऑफ कैबेज। खाली क्या किया गया यहां पे, खाली इंटरनोड इंक्रीज किया गया। सो इफ यू इंक्रीज द इंटर, अब ये इंटरनोड क्या, मैं खींच के तो इंक्रीज करूंगा नहीं, तो इंटरनोड इलोंगेशन के लिए व्हाट आई रिक्वायर इज समथिंग कॉल्ड एज जिबरलिक एसिड। लेट मी टेल यू माय डियर, दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज बोल्टिंग। प्लीज याद रखना, आपके बुक में बहुत सिंपल लैंग्वेज में देके छोड़ दिया गया है, दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज व्हाट, बोल्टिंग मेरे बच्चों, एंड दिस इज बीइंग डन प्रायर टू फ्लावरिंग, जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग यू हैव टू डू दिस। और आपका अगर इंटरनोड इंक्रीज हो गया तो यस इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ अ बिग स्ट्रक्चर, बिग कैबेज का जो है वो प्लांट जो है वो फॉर्म हो जाएगा मेरे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे समथिंग कॉल्ड एज साइटोकाइनिन का। सो नाउ द पॉइंट इज समथिंग कॉल्ड एज साइटोकाइनिन। इफ यू सी अ साइटोकाइनिन, द डिस्कवरी वाज मेड बाय मिस्टर एफ स्कूग एंड मिलर। नाउ व्हाट स्कूग डिड, स्कूग ने क्या किया और मिलर ने क्या किया, स्कूग वॉज वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड एज अ कैलस ऑफ टोबैको। आपको पता होगा वो इंटरनोडल एक्सपेंशन को, इंटरनोडल मटेरियल को निकाल के उन्होंने ही यूज दैट एज एन एक्सप्लांट एंड देन ही एडेड इट इन समथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट मीडियम। और जब न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा तो वहां पर उन्होंने थोड़ा सा कोकोनट मिल्क फैक्टर वहां पे डाला। सो व्हेन ही एडेड कोकोनट मिल्क फैक्टर देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ अ शूट टुक प्लेस। ऑक्सीजन तो था ही उसके अंदर, बट वहां पे जब उन्होंने कोकोनट मिल्क फैक्टर डाला तो देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ अ शूट टेक्स प्लेस। तो इट वॉज समथिंग कॉल्ड अ सेल डिविजन हैड अकर्ड। सेल डिविजन बहुत तेजी से अकर हुआ था वहां पे। तो ये सेल डिविजन अकर होने का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्कूक को। एंड स्कूक ने पहली बार बताया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कंपाउंड विच इज इनिशिएटिंग और स्टिमुलेटिंग समथिंग कॉल्ड अस सेल डिविजन। सो साइटोकाइनिन हैज अ इफ यू नो स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। नाउ व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, अगर आपको पता होगा तो आपने पढ़ा होगा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस इन सेल डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस, बट साइटोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म एंड फाइनली देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेल। एक सेल फॉर्म हो जाएगा, याद रखो। उसके बाद क्या हुआ यहां पे, ये एक नाम आता है काइनेटिन। अभी जो काइनेटिन नाम जो है ना, ये आया है काइनेटिन नाम बिकॉज ऑफ मिलर। मिलर ने क्या किया, व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ हेरिंग नाम का फिश, एंड फ्रॉम ए हेरिंग नाम के फिश ही टुक आउट अ स्पर्म ऑफ हेरिंग, SPERM, स्पर्म ऑफ हेरिंग। और वो स्पर्म को निकाल के उन्होंने उसको ऑटोक्लेव कर दिया, किसको, स्पर्म को। और स्पर्म के अंदर से, वो ऑटोक्लेव्ड स्पर्म के अंदर से उन्होंने उसका डीएनए निकाला, और डीएनए के अंदर से निकाला समथिंग कॉल्ड एज प्यूरिन, विच इज टर्म्ड एज एडिनाइन। ये एडिनाइन का मॉडिफाइड फॉर्म है काइनेटिन, प्लीज याद रखना। पहला हेरिंग फिश, हेरिंग फिश के अंदर का स्पर्म, उसके स्पर्म का डीएनए, उसके डीएनए का प्यूरिन, और प्यूरिन के अंदर से निकाला एडिनाइन, राइट।
सो उसको उन्होंने ऑटोक्लेव करके, देखो फ्रॉम द हेरिंग स्पर्म डीएनए से ऑटोक्लेव करके इस स्ट्रक्चर को बनाया, इसका नाम था काइनेडिन, विच वॉज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. माइंड इट माई डियर, काइनेडिन डज नॉट अकर इन अ प्लांट. काइनेटिन प्लांट में नहीं मिला था मेरे बच्चों, काइनेटिन मिला था समथिंग कॉल्ड एनिमल में. लेकिन उसका इफेक्ट हमने प्लांट में भी देखा है, उसके बाद बहुत जबरदस्त इफेक्ट है. किस चीज का इफेक्ट आता है भाई? इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस. नॉट ओनली दैट, साइटोकाइनिलाइन एक्टिविटीज हमने देखने की कोशिश की, हमने डिस्कवरी करने की कोशिश की, और डिस्कवरी हमको मिली कहां पे? जिया मेज में. माय डियर याद रखना, जिया मेज में से जब उन्होंने इस केमिकल को निकाला तो उसका नाम था जियाटिन. इट इज बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन. आजकल तो यू नो वी कैन मेक यू नो नेचुरल साइटोकाइनिन तो होता ही है, बट हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन भी बना सकते हैं. सो नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन विच, अभी ये पॉइंट इधर दिया नहीं मैं बता रहा हूं. सो आपको क्या लगता है कि नेचुरल साइटोकाइनेसिस कहां पैदा होता रहेगा? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो नेचुरल साइटोकाइनिन वॉज और इज बींग सिंथेसाइज्ड इन सर्टन रीजन्स where there is a rapid cell division. अब rapid cell division occur होता है कहां? It occurs in a root apices. It also occurs in a shoot buds. Basically apical bud बोलो आप, lateral buds बोलो, कहीं पे भी buds में जो है वो यहां पे आपको जो है वो cell division occur होना चालू हो जाएगा. Not only young, not only that, young fruits में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा my dear. So ये एक बहुत important fact है. नई बात सीखते हैं साइटोकाइनिन के सर्टन यूजेस की. पहला पॉइंट, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ लीव्स. आप जितने भी पेड़ में पत्ते देखते हैं उस पत्ते के होने का कारण है एक फाइटो हार्मोन जिसका नाम है साइटोकाइनिन. नॉट ओनली दैट, इट इज द वन विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन अ लीफ. एक एग्जाम्पल बताता हूं, मैंगो का पेड़ है, एकदम छोटू सा अगर पेड़ रहेगा तो उसके लीव ब्राउन कलर के होते हैं, आपने देखा होगा. बट व्हेन द साइटोकाइनिन का अमाउंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, दैट ब्राउन कलर लीव स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल इज प्रोड्यूस्ड, और स्टिमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अकर्स बाय द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज साइटोकाइनिन. नॉट ओनली दैट, मैं आपको बता दूं, इट हेल्प्स इन लैटरल शूट ग्रोथ. आपको याद होगा अपाइकल डोमिनेंस के लिए हमने बात किया था किसके बारे में? अपाइकल डोमिनेंस के लिए हमने बात किया था समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सिन के बारे में. लेकिन अगर लैटरल ग्रोथ आपको कराना है तो लैटरल ग्रोथ होगा बाय द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन. नॉट ओनली दैट, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन. नॉट ओनली दैट, मैंने जैसे आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपको अपाइकल डोमिनेंस रोकना है ऑक्सिन का तो आपको साइटोकाइनिन का कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा. प्लीज याद रखिए, इफ यू वांट टू इंक्रीज द इफ यू वांट टू शो अ डिफेक्टिव इफेक्ट, मतलब नहीं दिखाना है वो इफेक्ट, नहीं आना चाहिए, डिक्रीज्ड इफेक्ट दिखाना है अपाइकल डोमिनेंस का, तो उसको अगर हटाना है मुझे तो मेरे को क्या लगेगा, मेरे को यूज करना पड़ेगा वहां पे साइटोकाइनिन. Okay, not only that, it also promotes nutrient mobilization. ये बहुत important point है मेरे बच्चों. Now, why does a leaf senescence occurs? See, imagine कीजिए, this is a leaf. All the nutrient is going to the leaf and leaf is very एकदम rust pushed. Because of an abscission layer formed here, this leaf will fall down. So, ये abscission layer जो form हो जाता है ना, इसके से nutrient is not able to go towards the leaf, or some nutrient जो form हुआ जो glucose molecule, it cannot be able to come down back. तो ऐसी जगह पे abscission layer form नहीं कराता अगर हमने क्या डाल दिया, साइटोकाइनिन my dear. So साइटोकाइनिन क्या करता है, it promotes the nutrient mobilization which helps in the delay of a leaf senescence, and leaf can live for many days, many months I can say. Not only that, अब एक छोटी सी बात आपको ये भी समझ में आएगा. अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल हुआ साइटोकाइनिन के कॉन्सेंट्रेशन से तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कैलस टेक्स प्लेस माय डियर. कैलस शब्द याद रखना, कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा. नॉट ओनली दैट माई डियर, अगर आपने ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन साइटोकाइनिन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कर दिया तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ वॉट, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ रूट. बेसिकली मैं बोल दूं एडवेंटिशियस रूट फॉर्म हो जाएगा. और अगर आपने साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन बच्चे लोग अगर आपने इंक्रीज किया
as compared to auxin, तो there will be a formation of a shoot takes place. Please याद रखना, formation of a shoot will take place. अगर आपने क्या इंक्रीज कर दिया, साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन. अब मैं आपको एक प्यारा सा फ्लो चार्ट दे देता हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपने ये देख लिया तो आप एग्जाम में कम से कम 4 to 5 मार्क्स तो आराम से निकाल ही लेंगे. नीट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आ सकता है यहां से. तो साइटोकाइनिन का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहां पे. साइटोकाइनिन का द फर्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज समथिंग कॉल्ड एज अकरेंस, माय डियर. तो जब मैं अकरेंस देखता हूं, जब अकरेंस देखता हूं तो पहला पॉइंट आएगा इट अकर्स एट द डैश अपाइसिस, माय डियर, रूट अपाइसिस. ये पहला पॉइंट होगा. सो साइटोकाइनिन अकर वेयर? इट अकर्स इन रूट अपाइसिस. सेकेंड पॉइंट हमने अभी अभी डिस्कस किया था, डेवलपिंग शूट बड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपिंग शूट बड्स. और तीसरा हमने देखना है समथिंग कॉल्ड एज यंग फ्रूट्स. आपको याद होगा यंग फ्रूट्स के बारे में. सो दिस वॉज अ यू नो 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन, ये आप समझे. साइटोकाइनिन की अगर मैं फंक्शंस गिनाऊं मेरे बच्चों, चलो फंक्शंस गिना देता हूं आपको मैं, फंक्शंस गिना देता हूं मैं सबसे पहले. ये साइटोकाइनिन के फंक्शंस है यहां पर. पहला फंक्शन ग्रोथ ऑफ अ लीफ, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन जो आपको याद रखना चाहिए, इट्स अ ग्रोथ ऑफ अ लीव्स. ये पहला फंक्शन होगा. सेकेंड फंक्शन विल बी ग्रोथ ऑफ अ रूट. सो ग्रोथ ऑफ अ लीव, ग्रोथ ऑफ अ रूट, एंड ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस. ठीक है, कितने फंक्शन हो गए? तीसरा पॉइंट होगा डीले सेनेसेंस. डीले सेनेसेंस, सेनेसेंस डीले कर देगा. और चौथा पॉइंट, आई मीन कितना हो गया, 4 हो गया ना, फिफ्थ पॉइंट, सेल डिवीजन करा के दूंगा. ओके, तो दीज आर द फंक्शंस माय डियर. अकरेंस कर दिया, फंक्शन कर दिया. अब बताता हूं मेरे बच्चों आपको प्यारे प्यारे यूज है. पहला यूज क्या रहेगा, ओवरकमिंग सेनेसेंस एंड यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. तो पहला पॉइंट होगा ओवरकमिंग सेनेसेंस and also being used in tissue culture. ये जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स बोले थे ना मैंने मेरे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मेरा बच्चा टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर में भी आपने टॉपिक्स जो है वो अच्छे से करके ले लिया है मेरे बच्चों. सो दीज दीज आर द यू नो टिपिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन मेरे बच्चों. तो साइटोकाइनिन का इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से पता चलेगा. नेक्स्ट वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज समथिंग कॉल्ड एज वॉट मेरे बच्चों, इथिलीन. Okay, my dear. So now what we are going to deal is something called as ethylene. Mere bachcho, ethylene is a simple gaseous hormone or a phytohormone. It is also termed as plant growth regulator. This gas was very first time discovered by Mr. Cousins, and it was confirmed that it was found in a ripened oranges, which was emitting something called as a volatile substance called as ethylene. These ripened oranges, when it was emitting ethylene, unripe banana was kept in front of it, and you know that unripe banana got ripened because of this hormone ethylene, which was being produced by the ripened oranges. So basically it's a volatile substance and was identified as ethylene by Cousins. Next, the synthesis, it's a synthesis basically occurs in all the plant parts, like almost all the plant part, like root, leaf, flower, fruit, seed. And yes, the maximum synthesis occurs in the ripening of a fruit. Basically, ये तब होता है जब कोई टिश्यू undergo करती है senescence के लिए. That is something called as what मेरे बच्चों, aging के लिए मेरे बच्चों. दूसरा important point is कि अगर आप इसके precursor को देखो तो इसके precursor का नाम है methionine. Now what do you mean by precursor? अगर आप ethylene नहीं use कर रहे तो आप क्या use करेंगे? Ethylene नहीं use कर रहे तो आप use कर सकते हैं methionine. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ते हैं या फंक्शंस पढ़ते हैं. इट हेल्प्स इन समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसवर्स एंड आई कैन से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. तो इथिलीन इनहिबिट करती है लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ को, माने लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ नहीं होगा बट यस ट्रांसवर्स ग्रोथ अकर होगा. याद रखना किसमें मेरे बच्चों, सीडलिंग्स में.
तो सीडलिंग में ट्रांसवर्स ग्रोथ करा के ही देगा ये, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर भी लिखे हैं मैंने, ये ज्यादातर वहां से निकलता है जहां पे सेनेसेंस होता होगा या राइपनिंग ऑफ द फ्रूट होता रहेगा। नाउ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथिलीन ऑन द प्लांट इज व्हाट, सबसे पहला इन्फ्लुएंस देखा गया हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। अभी अभी मैंने बताया ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तो ये लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ नहीं होने देगा, सीडलिंग के ऐसे ग्रोथ माने जितने रूट के पार्ट्स हो सके ट्रांसवर्सली ग्रो हो जाए ताकि वो ज्यादा सरफेस एरिया कर लेगा। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ एक्सिस ड्यू टू विच स्टेम लुक्स स्वॉलन, स्टेम मोटे मोटे लगते हैं, राइट। सो ये पॉइंट भी आप याद रखना। तो अगर कहीं पे आपने अगर स्वॉलन स्टेम देखा है, थोड़ा फूला हुआ स्टेम देखा है, तो यस इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ इथिलीन। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अपाइकल हुक। मेरा बच्चा ये पॉइंट याद रखो, अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डायकॉट सीडलिंग। अपाइकल हुक का मतलब क्या हो जाता है, ये इस तरीके से ऐसा हुक्स फॉर्म कर लेंगे रूट के आजू बाजू में ताकि ये सॉइल के अंदर पूरा एकदम ग्रिप बना सके और फिर ये ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो होना चालू हो जाएंगे। सो इट विल कॉज एन अपाइकल हुक माई डियर। नॉट ओनली दैट, इथिलीन ऑल्सो प्रोमोट्स व्हाट, इसके प्रमोशन को भी देखते हैं। पहला पॉइंट, इट प्रमोट्स समथिंग कॉल्ड एज अ सेनेसेंस, मेरे बच्चे। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेनेसेंस, मैंने जैसे बताया आपको मैं कि सेनेसेंस बेसिकली अकर्स इन अ लीव्स एंड फ्लावर, इट इज बीइंग फाउंड दैट लीव सेनेसेंस इज लार्जली कॉज्ड बाय इथिलीन। सेनेसेंस का मतलब इट्स एन एजिंग ऑफ अ प्लांट बेसिकली, और एजिंग ऑफ अ प्लांट बोलो या एजिंग ऑफ अ प्लांट के पार्ट्स बोलो, इट्स वन एंड द सेम। दूसरा खास बात, एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों की पिछले जो हार्मोन्स हमने पढ़े थे उसके यहाँ पे एब्सिशन लेयर फॉर्म नहीं होने देता है, लेकिन इस वाले फिनोमेना पढ़ेंगे कि यहाँ पे एब्सिशन लेयर फॉर्म हो जाएगा एंड देयर विल बी अ ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर टेक्स प्लेस माय डियर। फ्रूट राइपनिंग, लेट मी टेल यू माय डियर, आपको बता दूं मैं कि इथिलीन इज अ वेरी गुड राइपनिंग एजेंट मेरे बच्चों। इट इज इन्वॉल्व्ड इन राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट एंड दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज क्लाइमेक्टेरिक फिनोमिनन। अब आपके बुक में देखो यहां पे क्लाइमेक्टिक लिखा है, राइट। यू नो व्हाई, बिकॉज इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन अ फ्रूट माय डियर। इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट, लेकिन आपके बुक में लिखा है क्लाइमेक्टिक इफेक्ट, तो यह बात याद रखना। So rise in the rate of respiration is called as respiratory climactic। मैं आपको बता रहा हूं यहां पे respiratory climactic और climacteric effects। Climacteric effect will occur in something called as a fruit। Climacteric effect आपके बुक में नहीं दिया NCERT में, वो आपको याद रखना है। राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट अगर अकर हो रहा है तो उसको हम क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन अगर सडन शार्प राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन अकर हुआ तो उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए हो जाता है बिकॉज इथिलीन एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट को क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट या क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। व्हेन द फ्रूट इज राइपनिंग इट इज टर्म्ड एज क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। सर रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक का मतलब होता है सडन शार्प राइज इन द रेस्पिरेशन, फटाक से विद इन अ मैटर ऑफ अ मिनट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इतना तेज हो जाएगा कि पूरा फ्रूट एकदम गर्मा गर्म जैसा लगने लग जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक माय डियर। रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक आप ये समझ लिया होगा, फिर मैं थोड़ा सा और टॉपिक पे चलता हूं। इथिलीन helps in breaking the bud dormancy, बहुत ही ज्यादा important point मेरा बच्चा। helps in breaking bud dormancy, तो ये कहाँ देखा गया है, it is basically seen in something called as peanut seeds, bud के dormancy को तोड़ देना, ये सबसे पहला point, माने bud को उगने देना, ये important point। अब ये initiate करते हैं germination in peanut seeds and sprouting of potato tubers। मतलब अगर कोई पीनट सीड अगर वो ग्रो नहीं हो पा रहा है और अगर वहां इथिलीन प्रेजेंट है तो पक्की बात है कि इट विल ग्रो। सो इट इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स माय डियर। नॉट ओनली दैट, इट आल्सो प्रोमोट्स क्या, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। ये बहुत बड़ी बात है,
आपको पता होगा कि रूट ग्रोथ कौन करा रहा था, ऑक्सिन करा रहा था कैलस के अंदर, आपको याद होगा टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में। लेकिन यहां पर वही रूट ग्रोथ का फॉर्मेशन या रूट हेयर का फॉर्मेशन कौन करा रहा है, इथिलीन माय डियर, जिसकी वजह से इट हेल्प्स द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो एब्जॉर्प्शन सरफेस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज माई डियर, सो द रूट विल बिकम वेरी वेरी मच इंपैक्टिव और लार्ज नंबर ऑफ वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो क्या कर पाएगा, खींच पाएगा मेरे बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस। नॉट ओनली दैट, इथिलीन ने क्या किया है, इसने प्रोमोट किया है रैपिड इंटरनोड और पीटीओल इलोंगेशन इन डीप वॉटर राइस प्लांट्स। आप कभी देखेंगे तो राइस को एक्चुअली जो है वो वाटर में ही जो है वो स्टार्टिंग में रखा जाता है, तो ऐसे मौके पे इथिलीन आने की वजह से इंटरनोड और पीटीओल इलोंगेट हो जाते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। सो पानी में नहीं रहते। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया रहेगा, इट हेल्प्स लीव्स एंड अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव द वॉटर, मतलब पानी में डूबने देता नहीं है मेरे बच्चों। तो प्लीज इस बात को आप याद रखेंगे कि इलोंगेशन ऑफ स्टेम इन डीप वॉटर राइस प्लांट इज बीइंग डन बाय द हेल्प ऑफ इथिलीन मेरे बच्चों, मतलब उसके जो जब आप पानी में लगाएंगे ना तो वो उसके अंदर इतना रेट ऑफ सेल डिविजन होगा कि फटाक से द लीफ फॉर्मेशन द स्टेम फॉर्मेशन सब कुछ ऐसा ऊपर आ जाएगा, ये बात आप याद रखना। दिस इज बीइंग सीन बिकॉज ऑफ इथिलीन मेरे बच्चों। इथिलीन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, ये मुझे लगता है नीट में क्वेश्चन आ सकता है। डैश इंक्रीजेस और डैश इंड्यूसेस द फ्लावरिंग इन मैंगो, सो आंसर आएगा इथिलीन, या उल्टा पूछ ले इथिलीन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन डैश ऐसे। दूसरा, चलो भाई इंड्यूस तो कर ही दिया, इट ऑल्सो इनिशिएट्स फ्लावरिंग, ये बात तो एकदम सही है, इट इनिशिएट्स फ्लावरिंग मेरे बच्चों, प्लीज आप याद रखना। अब आपको बता दूं मैं कि इन्होंने एक और काम किया है, ये सिंक्रोनाइज करते हैं फ्रूट सेटिंग इन पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल देखा है ना, तो पाइनएप्पल को फ्रूट कब निकलेगा वो इथिलीन डिसाइड करता है माय डियर। इट्स बीन डिसाइडेड बाय इथिलीन मेरे बच्चों, इट इज नॉट डिसाइडेड बाय एनी अदर। सो इथिलीन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पाइनएप्पल्स। इथिलीन ऑल्सो रेगुलेट्स मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इथिलीन जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर। आपको बता दूं मैं, उसमें से एक एग्जांपल है समथिंग कॉल्ड एज इथापॉन। मैं आपको बता दूं इथापॉन इज एन एक्वस सॉल्यूशन, मैं थोड़ा इसके बारे में कुछ देर के बाद मैं बात करता हूं, लेकिन आपको एक और पॉइंट बताता हूं। इथिलीन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स एंड फ्रूट इन सर्टेन प्लांट लाइक ककुम्बर मेरे बच्चों। सो इट ऑल्सो लीड्स टू सेक्स एक्सप्रेशन, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स मेरे बच्चों, ये आप याद रखना। एपिनास्टी, ये एक और टॉपिक है जो आपके बुक में नहीं दिया है। एक्सपोजर टू इथिलीन कॉजेज ड्रॉपिंग ऑफ लीफ एंड फ्लावर्स। अब आप बोलोगे सर लीफ एंड फ्लावर का ड्रॉपिंग तो दिया है सर, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए नाम नहीं दिया है एपिनास्टी मेरा बच्चा, ठीक है। तो एपिनास्टी ये नाम तो दिया नहीं है, तो आप इस नाम को याद रखना कि भाई अगर ड्रॉपिंग ऑफ लीफ और फ्लावर कराया तो इसको बोलते हैं एपिनास्टी। एनीवेज, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। Ethapon is what? It's an aqueous solution and it is readily absorbed and transported within the plant and releases the ethylene slowly. Ethapon is a synthetic structure, synthetic material made, and आपने अगर इसको स्प्रे कर दिया तो ये धीरे धीरे इथिलीन प्लांट के अंदर तक पहुंचा देता है, स्लोली स्लोली हो जाएगा ये। इथापॉन इंक्रीजेस और हेसन्स द फ्रूट राइपनिंग मेरे बच्चों। आप मैंगो ना, कच्चा मैंगो लाके रख दो घर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए उस एरिया में, पूरा पैक करो घर और इथापॉन स्प्रे कर दो। मैं आपको बोलूं 15 आवर्स और वन डे के अंदर देर विल बी सारे मैंगो पक जाएंगे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इथापॉन। सो इथापॉन वॉट, इथापॉन इज एन एक्वस सोल्यूशन मेरे बच्चों, and it is readily absorbed, ये absorb हो जाता है, fruits उसको absorb कर लेंगे, and what will happen, it will hasten the fruit ripening मेरे बच्चों। तो fruit ripening इसने, अभी तो मैंने mango बोल दिया लेकिन आपकी book में it is written as tomato एक बार, दूसरा नाम रखा रहेगा apple। So they hasten, मतलब they will increase the ripening in tomato and something called as apple, शब्द याद रखना, and also accelerates what, abscission, फटाफट अपने आप fruit टूट टूट के गिरेगा।
क्योंकि एब्सिशन कर देता है ना मेरे बच्चों से, एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट। मैं आपको बता दूं कभी कभी इट इज ऑल्सो यूज इन थिनिंग ऑफ कॉटन मेरे बच्चों। अब कॉटन जो है वो इट्स वेरी हार्ड ना, एक कॉटन के फाइबर्स बड़े बड़े हार्ड रहेंगे तो चल नहीं पाता, बेकार हो जाता है। सो थिनिंग ऑफ कॉटन इज डन बाय द हेल्प ऑफ इथिलीन। चेरी और वॉलनट का भी नाम आता है। सो थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट इज डन बाय समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, इथिलीन। अब मैं आपको बोल दूं ये फ्रूट्स की बात कर रहा हूं, मतलब कॉटन के फ्रूट, चेरी का फ्रूट, वॉलनट के फ्रूट का थिनिंग। कॉटन फाइबर्स को तो थिन करना वो तो है ही, लेकिन कॉटन का फ्रूट, चेरी का फ्रूट और वॉलनट के फ्रूट का थिनिंग कौन करेगा? इथिलीन करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इट ऑल्सो प्रमोट्स व्हाट, सेक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं मेरे बच्चों इसको। इट प्रमोट्स समथिंग कॉल्ड एस फ्लावर इन क्यूकम्बर्स एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड मेरे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले, इट इज अबाउट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में मैं आपको बता दूं, इट वॉज बीन डिस्कवर्ड बाय मिस्टर कार्म्स, CARMS, कार्म्स एंड एडिकॉट। लेकिन ये कार्म्स एंड एडिकॉट का डिस्कवरी के लिए मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करूंगा। इसके पहले मैं आपको एक प्यारा सा क्या दे दूं, फ्लो चार्ट दे दूं। फिलहाल आप इसको एक बार लिख लीजिए मेरे बच्चों। ओके, तो मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मेरे बच्चों। अब इसकी जगह पे मैं आपको जो है वो थोड़ा सा, ये जो मैंने इतना सब आपको लिख के दिया, आप लोग ये प्लीज रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मैंने एनसीईआरटी के ही नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स ही मैं आपको दे रहा हूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, आप एक बार ये चार्ट देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। सो इसको आपने आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा जो मैंने आपको अभी अभी दिया है, या वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट इज समथिंग कॉल्ड इथिलीन का एक प्यारा सा छोटा सा फ्लो चार्ट। कैसे बताएंगे? इथिलीन का फंक्शन देखेंगे, इथिलीन का अकरेंस देखेंगे, इथिलीन का यूजेस देखेंगे। ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना? सो फटाक से मुझे कैसे याद आना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आऊंगा अकरेंस पे। अकरेंस पे आऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि इसके दो पॉइंट होंगे, टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपन्ड फ्रूट। लिख देता हूं यहां पे, टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड क्या बोलो मेरे बच्चों, राइपन्ड फ्रूट्स। तो राइपन्ड फ्रूट्स, सो ये पहला अकरेंस का डिस्कशन है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज अकरेंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये पहला और ये दूसरा, ये अकरेंस हो गया बच्चा। दूसरा हम लोग बात करेंगे समथिंग कॉल्ड एज फंक्शंस का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फंक्शन। फंक्शन का पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? द फर्स्ट फंक्शन विल बी ट्रांसवर्स ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसवर्स ग्रोथ, ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा सेनेसेंस, तीसरा एब्सिशन। दूसरा याद रखेंगे सेनेसेंस, थर्ड याद रखेंगे एब्सिशन, ठीक है? फोर्थ क्या याद रखेंगे? फ्रूट राइपनिंग। दूसरा ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, चलो ये भी याद रख लेते हैं, फ्रूट राइपनिंग, नेक्स्ट ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, याद रहेगा, ठीक है? दूसरा इलॉन्गेशन ऑफ व्हाट, एक्वाटिक फॉर्म, रूट एंड रूट हेयर्स का भी इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन ऑफ एक्वाटिक फॉर्म, ठीक है ना? एक्वाटिक फॉर्म याद रखेंगे। दूसरा रूट एंड रूट्स एंड रूट हेयर्स का भी इलॉन्गेशन और फॉर्मेशन। तो खाली रूट एंड रूट हेयर लिख देता हूं, आप या बाद में इसको याद रखेंगे, जो वो ट्रांसवर्स ग्रोथ कराएगा ना, आपने बोला था। दूसरा फ्लावरिंग और तीसरा सेक्स एक्सप्रेशन। सो यहां पर लिख देता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इट्स फ्लावरिंग एंड द सेकेंड विल बी समथिंग कॉल्ड, इस तरफ लिख देता हूं सेक्स एक्सप्रेशन। मैंने यहां पे आपको क्यूक्यूम्बर के बारे में बताया था, हाँ,
क्यूकम्बर के बारे में आप याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा सेक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे फीमेल जो है वो क्या फॉर्म हो गए थे, फीमेल फ्लावर बहुत सारे फॉर्म हुए थे। यहाँ पे अब यूजेस में सबसे पहला आएगा फ्रूट राइपनिंग, लिखता हूं पहले यूजेस, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग फ्रूट राइपनिंग, दिस इज फर्स्ट पॉइंट फ्रूट राइपनिंग। दूसरा एब्सिशन एंड थिनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सिशन, एब्सिशन कर दिया एंड थिनिंग, थिनिंग ऑफ क्या कोई पूछेगा तो बोलना थिनिंग ऑफ फ्रूट है, कॉटन का फ्रूट याद रखना। और दूसरा कौन सा रहेगा, सोच के दो मेरे को और बताना है आपको। चलो वॉलनट भी बता दिया, एक बताना है मुझे मीटिंग में बताना मुझे। चलो एब्सिशन एंड थिनिंग, तो फ्रूट राइपनिंग एक, दूसरा एब्सिशन एंड थिनिंग, तीसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाट फ्रूट्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स, तो स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन मतलब बेसिकली एक पोटेटो का बात कर रहे हैं, स्प्राउटिंग ऑफ डैश ऑर्गन तो स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। तो बेटा ये है वो चार्ट जिसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा था, आप ये चार्ट प्लीज याद रखेंगे। कोई पूछेगा हु डिस्कवर्ड द राइप ऑरेंजेस एमिटिंग समथिंग कॉल्ड ए वोलेटाइल सब्सटेंस, तो नाम याद रखना कजिन्स, ओके माय डियर। इसके बाद का जो टॉपिक आप बात करने वाले हैं वो होगा समथिंग कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड मेरे बच्चों।